बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आइकन बेल भी दबा दीजिएगा। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 25 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। बहुत एडवांटेजेस है इस हफ़्ते, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनिएगा और उसके मुताबिक आपने ढीला नहीं पड़ना। स्टार्ट आपका क्योंकि सन आपके आठवें घर में, अपने घर में विद जुपिटर ट्राइन चौथे घर से, तो आपके आठवें घर के एडवांटेजेस आपको लेने हैं, फ़ायदा उठाना है। लेकिन अनसर्टेनिटी ज़रूर करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन बहुत काम चल रहे होंगे। स्टार्ट आपका छठे घर से हो रहा है और छठे का लॉर्ड आठवें घर में बैठा है। मून जेमिनी में, जेमिनी में मून है। जब छठे का लॉर्ड आठवें होता है, इफ़ यू आर इन खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस में, तो बहुत अच्छा अंडर हैंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप बहुत बड़ा कामयाब इन्फॉर्मेशन लेके कामयाब ऑपरेशन करेंगे। बट एक चीज़ का ख्याल रहे, छठा घर है तो वहाँ पे आपको टफ टाइम मिल सकता है, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बट गलती अगर की तो वो फिर थोड़ा सा आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने बड़ा सोच समझ के अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस वर्क में आप बहुत होंगे, बहुत एक्टिव होंगे और आपके अपने एनिमीज़ को भी, आप अपने हासदीन को भी संभाल लेंगे। और अगर कोई आपका प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है, आप उसको भी रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर आपके बड़े कंट्रोल होंगे, यहाँ पे आप अपने मुतातों के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हुए नज़र आए। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। अगर बीमार हैं तो उससे जान छूट जाएगी, अगर कोई केस चल रहा है वो, अगर कोई थाना कचहरी है उससे जान छूट जाएगी, अगर जेल में तो वहाँ से जेल से भी राहत मिल जाएगी, जमानत हो जाएगी आपकी। कोई एक्सीडेंट ऑब्स्टेकल्स कोई आई हुई है वो दूर हो जाएगा, कोई ट्रांसफ़र आपकी हुई है वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी, अगर गलत ट्रांसफ़र हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, कोई क्रूर एक्शन आपके ख़िलाफ़ हुआ वो भी ठीक हो जाएगा और आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा। आपको मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ तो वो भी आपके हक में हो जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका दिन बड़ा अच्छा है। आगे चलते हैं 26, 27, सातवें का लॉर्ड सातवें में बैठा है, तो आपने एडवांटेजेस जो आपको मिलेंगे वो देख लीजिएगा। आपको अपनी अच्छी और मुस्बत ज़िंदगी गुजारने की एक शिद्दत आपके अंदर आएगी। ज़रूरी नहीं कि दौलत ही से खुशियाँ खरीदी जाए, आपका घर का माहौल बड़ा चिल होगा। अगर आपकी मोहब्बत चल रही है, सच्ची मोहब्बत चल रही है, तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़े फैसला कर देंगे, हाँ जी मुंडे या कुड़ी का चलो मर्जी है ना, तो कर दोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, या शादी तय हो जाएगी या शादी हो जाएगी। अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आपकी मोहब्बत चाहत के अलावा जिस्मानी व जिंसी सुकून आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। तल्लुकात बहुत मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपको ज़िंदगी में घरेलू सुकून के अलावा पैसे भी अपने स्पाउस से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी मोहब्बत की शादी है तो कामयाबी होगी, बहुत उसमें बेहतर मियां बीवी में ज़हनी हमहंगी इतनी होगी कि आप आंखों में देख के एक दूसरे के इशारों से बात समझ जाएंगे और के पार्टनर क्या कह रहा है। अच्छा, वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं उनको भी बहुत एडवांटेज मिलते हुए नज़र आते हैं, बहुत ही फायदा। इन ऑलरेडी दे हैव लॉन्च एनी प्रोजेक्ट, उस पर उठान आ जाएगी, या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते हुए उसको आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो सातवां घर फॉरेन अफेयर्स का भी है, तो आप अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, अगर आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो ये बेस्ट टाइम होगा। आपको यहाँ पे कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आ रही है, स्पॉन्सरशिप मिलती हुई नज़र आ रही है, दूसरों की टिकटों पर सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स रात हैं उनको मेडिसिन की कंपनियाँ जो होती हैं वो उसका चलो सर जी बाहर चक्कर लाए हो जाके असी तुम स्पॉन्सर करने हैं या इसका, तो इस किस्म का कोई एडवांटेज या कोई दोस्त आपको
आपको कह चलो मेरे साथ, मैं खर्चा करता हूँ आप मेरे साथ चले, तो इस किस्म का भी रहेगा। रिलेशन विद पब्लिक आपके बहुत अच्छे होंगे, किसी लिटिगेशन केसेस में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा, कोई घुमी हुई चीज़ मिल जाएगी आपको। फॉरेन अगर ऑलरेडी आप बाहर हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा ऑनर मिलेगा, आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा, तो फॉरेन अफेयर्स में भी आपको काफ़ी होगा। अब आगे चलते हैं 28, 29, 30 यहाँ आठवें का लॉर्ड, आठवें और सन अपने बैठा अपने घर में, तो यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। आठवां घर है, बस थोड़ा सा वसवसे आपको थोड़ी सी रुकावट हल्की फुल्की फील होगी, बट इसमें आपने थोड़ा सा अनसर्टन नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना, ये ढीले नहीं पड़ना, न फेयर नहीं अपना वो फेयरनेस नहीं शो करनी, वो कहते हैं काम पे टांके नहीं करनी, अपने अपने काम पे अड़े रहना है, देन यू विल सी आपको क्या कुछ मिल जाएगा। आठवें का लॉर्ड जब आठवें घर में हो तो क्या आपको एडवांटेजेस जो मिलेंगे, आपको कोई ना कोई विरासती जायदाद या गवर्नमेंट में जहाँ फंसी हुई काम या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकी हुई मसले मसाइल, अगर आपके कोई लिटिगेशन केस चल रही है, अदालत में केस चल रहा है, वो आपके हक में हो जाएगा, आपको वो एडवांटेज मिल जाएगा। कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करनी हो तो वो पे लैंड रिकॉर्ड वालों से वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा, पटवारियों से आपको फेवर मिल जाएगी, तहसीलदार से फेवर मिल जाएगी, लिटिगेशन केसेस में फेवर मिल जाएगी। ये आपके तीन दिन आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप अगर इन केस अपना खुद आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आपके अंदर एक सुकून होगा, मेमोरी बड़ी फास्ट होगी और आप हर काम में बड़े खुशूखुशू से टेक्निकल तरीके से साइंटिफिक तरीके से अपने काम को हैंडल करेंगे और अपनी सिचुएशन में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और कुछ दिखलाने का जज्बा, आपके अंदर एक ताकत होगी, रूबेस्ट होंगे, एनर्जी होगी, जिससे आप काफ़ी कह लें कि आप अपने क्या कहेंगे टारगेट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक्सप्रेसिव बहुत होंगे, बड़ा नपा तलवा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। और यहाँ पे आपको आपके कह लें कि आठवां घर है तो आठवें घर में आपको कोई ना कोई हिडन आपको विदाउट एनी कहते हैं ना कि जो आपको तोको भी नहीं है उस तरफ से भी कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई पैसे आ जाएंगे, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा, मफ़ीलों में दिलचस्पी रहेगी, कोई काम डिले नहीं होगा, दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के पूरे चांस 100% चांस होगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाएगी आपको, एनओसी अगर कोई आपने बाहर के लिए अप्लाई किया वो मिल जाएगा, नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, 100% चांसेस हो गए आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़े अच्छे तरीके से इनकेस आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिडन वेल्थ, लेगेसी में इजाफा, गिफ्ट, अनन हिडन मनी, ये आपके स्पाउस का भी है, स्पाउस की तरफ से भी पैसे बहुत आते हुए नज़र आए, तो ये आपके कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस हैं। अब आगे चलते हैं 31st, 9th हाउस है और 9th का लॉर्ड आठवें घर में बैठा है, तो फिर थोड़ा सा ये देखें कि छुट्टी वाला दिन है, इतवार है, तो 9th का लॉर्ड जब आठवें घर में होता है तो विरासती जायद आपको दिमाग में आएगा, क्यों ना आज आपने पेरेंट्स से मैं अपनी विरासती जायदाद की बात करूं, उसको बढ़ाऊं, इसको बेहतर करने की कोशिश करूं, या आपकी ज़मीन कब्ज़ा हुआ हुआ तो उसको छुड़ाने की कोशिश करें, तो ये छोड़ें, आप इस पर एनर्जी ना ज़ाया करें, रेस्ट करें, अपने आप को थोड़ा सा सुकून दें, एनर्जी रीगेन करें और तवीज़ धागों की तरफ मत भागिएगा, कागज़ ले कर बाहर ट्रैवलिंग, जायदाद के कागज़ ले कर बाहर ट्रैवलिंग नहीं करनी, कोई ना कोई यह ना कागज आपके घूम जाए, तो ये मुझे तो यह लगता है कि अबादात, नफाफल, सदकात, श्राइन का विज़िट, ये इस किस्म के किसी की मदद करते हुए नज़र आते हैं और फिर सुकून होगा। तो ये हफ़्ता आपके लिए कैप्रिकॉर्न बहुत खुशियाँ, बहुत एडवांटेजेस, बहुत फ़ायदे लेके आ रहा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।